हमारा देश अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है, हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास है हमारा। दुनिया के कई देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब भारत में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। सारी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाला भारत, सारे विश्व को वीरता का पाठ पढ़ाने वाला भारत, और यह धरती वो धरती है। आज नहीं, हजारों साल पहले से कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां मां बहन और बेटियों का मान सम्मान और इज्जत होगी, केवल वही परमात्मा निवास करेंगे। अगर कोई फिल्म बनाए, कल्पना पे किसी कहानी पे फिल्म बनाए, तो कुछ भी दिखाए, हमें क्या आपत्ति है। लेकिन फिल्म अगर इतिहास पर बनेगी, फिल्म अगर ऐसे चरित्र पर बनेगी कि जिसका सारा देश जिसकी पूजा करता है, फिल्म अगर ऐसे चरित्र पर बनेगी कि जिसकी चिता की राख को पूरा हिंदुस्तान अपने माथे पर लगाता है, फिल्म अगर उस चरित्र पर बनेगी कि जिनका नाम लेकर भारत माता के चरणों में सर्वस्व न्योछावर करने के लिए लाखों लाख बेटे बेटियां अपने आप को न्योछावर कर देते हैं, जब ऐसे पद पर फिल्म बने और उसमें विषय वस्तु से खिलवाड़ कर दिया जाए, ऐतिहासिक तथ्यों को छेड़ा जाए, गलत ढंग से इतिहास प्रस्तुत किया जाए, तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐतिहासिक तथ्यों से खिलवाड़ कर अगर राष्ट्रमाता पद्मावती जी, उनके सम्मान के खिलाफ जिस फिल्म में दृश्य दिखाया गया या बात कही गई है, उस फिल्म का प्रदर्शन मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होगा। अपमान को ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, ये देश।